तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें इरोडोप का, जिसमें सेटेलाइट है और सेटेलाइट जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है। एक्चुअली जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, वेस्ट से ईस्ट मूव करती है। अगर ऐसे आप देखोगे तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा वन ले लेता हूँ अपनी एक्सिस पे, और वेस्ट हुई इक्वेटोरियल आर्बिट ऑफ रेडियस आर, मतलब ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऊपर से टॉप व्यू अगर देख रहा हूँ तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसकी रेडियस आर में एक सेटेलाइट मूव कर रहा है, और सेटेलाइट ध्यान देना अर्थ के अपोजिट मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्सलेशन सेटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब अर्थ से अगर मैं देखता हूँ तो सेटेलाइट की वेलोसिटी और एक्सलेशन कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं सेटेलाइट का क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं सेटेलाइट का वेलोसिटी निकालूंगा। तो ये जो सेटेलाइट है वो, इसको मैं सेटेलाइट बोलता हूँ, तो ये जो सेटेलाइट है इसको मैं बॉडी टू बोल देता हूँ, और जो अर्थ है उसको मैं बॉडी वन बोल देता हूँ। अर्थ की अपनी एंग, अर्थ का अगर वो कोई पॉइंट है लीनियर वेलोसिटी बी वन से जा रहा है तो सेटेलाइट का लीन वेलोसिटी बी टू होगा, और अर्थ अपनी एक्सिस पर ऐसे ओमेगा से घूम रही है उसको मैं ओमेगा वन बोल देता हूँ, और सेटेलाइट उसके सेटेलाइट ये जो इधर घूम रहा है इसको मैं ओमेगा टू से बोल देता हूँ। ऐसे सेटेलाइट इधर और रोटेट कर रहा है ये एंगल, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मुझे सेटेलाइट की जो वेलोसिटी है अर्थ से मैं देखता हूँ, अगर कोई ऑब्जर्वर है, ये जो कोई ऑब्जर्वर है अगर अर्थ से देखता है तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या लिखेगा सेटेलाइट की वेलोसिटी, तो ये लिखेगा सेटेलाइट की जो वेलोसिटी है, सबसे पहला जो है सेटेलाइट की वेलोसिटी लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ द टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू रेडियस आर ओमेगा ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये लिखेगा। तो इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ओमेगा आर और ओमेगा अप टू विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, और ऑब्वियसली ये दोनों क्या है अपोजिट, सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं मॉड ले लेता हूँ तो ये आर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू की वैल्यू आ जाएगी, वेयर ओमेगा वन जो है अर्थ का सेंस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा मतलब टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो ये आ जाएगा टू पाई टाइम पीरियड टी। तो ओमेगा टू निकालने के लिए सेटेलाइट पे जो फोर्स लग रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जा रहा है, और इसकी इक्वेशन इसको मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से कि मास ऑफ द सेटेलाइट लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट वी टू का स्क्वायर, और मैं देखूँ ए आर, तो यहाँ से आ जाएगा जी मास ऑफ द सेटेलाइट और मास ऑफ द अर्थ ये, और ये आर का स्क्वायर, तो हमें ओमेगा निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं सेंट्रिपिटल फोर्स को मैं ओमेगा के टर्म में लिख रहा हूँ, तो एम नियम सेटेलाइट का मास है कैंसिल हो गया, और यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा टू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम मास ऑफ द अर्थ और रेडियस आर का स्क्वायर। तो फाइनली जब इसकी ये यहाँ से तुम देखोगे तो ओमेगा टू की वैल्यू आ जाएगी जी एम मास ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर की पावर क्यू अंडर रूट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट और अर्थ के रिस्पेक्ट में, और दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ये वाली चीज़। तो अब यहाँ इन दोनों की वैल्यू रख दोगे तो जो लीनियर वेलोसिटी भी दिखेगी, द वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू आर, और यहाँ से सारी वैल्यू रखो, तो सारी वैल्यू रखोगे तो टू पाई टाइम पीरियड टी, और प्लस यहाँ से जी मास ऑफ द अर्थ और ये रेडियस ऑफ अर्थ की पावर क्यू, और ये सब कुछ अंडर रूट आ जाएगा। तो अगर मैं इन पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ये वाला पूरा का पूरा अगर मैं एक ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा तो ये पहले पार्ट का सोल्यूशन अपना हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर चाहो तो इस आर को अंदर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, या यहाँ से आर ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई आर, हाँ यहाँ से आप
इस आर को अंदर कर दोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये सब आपको आ गया होगा, ये सब बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। और इसको मैं इस आर को मैं अंदर कर देता हूँ तो ये इक्वेशन ऐसे दिखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू 2 पाई आर, और ये टाइम पीरियड टी, और प्लस आर को अंदर कर दोगे तो जी एम ई, और ये आर अंडर रूट बचेगा, ठीक है। तो दिस इज द, ये भी एक फॉर्मेट अलग है। तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। अब हमें एक्सलेशन निकालना, तो अब एक्सलेशन निकालना थोड़ा सा बच्चों कॉम्प्लेक्स है। द पार्ट टू में अगर मैं देखूँ तो एक्सलेशन अगर निकालोगे तो इट इज़ द कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। तो एक्सलेशन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है देखो, क्योंकि जब मैं एक्सलेशन निकालने जाऊंगा तो देखो यहाँ पे दो दो फ्रेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ध्यान देना, अच्छे से समझना इसको। एक अर्थ खुद अपनी एक्सिस पर ओमेगा से घूम रही है, और ए भी अर्थ के अराउंड ओमेगा 2 से घूम रहा है, ठीक है। तो जब मैं अर्थ के फ्रेम से इसका एक्सलेशन लिखूंगा तो इस पार्टिकल के पास जो सेटेलाइट है उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है, समझ रहे ना, एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये मेरे अर्थ के रिस्पेक्ट में एरेस्ट में रहता तो सिर्फ इस पे सूडो फोर्स लगता, बात समझ में आ रही है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी आने के साथ साथ सूडो के साथ साथ इस पे रियल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीप्यूगल फोर्स भी लगेगा, एक नया फोर्स कोरियोलिसिस फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और हमारे जेई के सिलेबस से बाहर है, तो कोरियोलोसिस वगैरह थोड़ा सा नहीं है। तो बेसिकली इसको मैं फार्मूला लिख देता हूँ और आप इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो जब कोई बॉडी, अगर एक फ्रेम है, इस फ्रेम से ये फ्रेम है, और ये फ्रेम अपनी एक्सिस पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इस पे एक पार्टिकल है वो भी इसके रिस्पेक्ट में ओमेगा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, और इस ऑब्जर्वर को रोटेट दिखाई दे रहा है। तो इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगेगा, उस नेट फोर्स का फार्मूला जो है, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम एक्सलेशन ऑफ द रिलेटिव एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू यहाँ से नेट रियल फोर्स ऑन द पार्टिकल, जो रियल फोर्स लग रहे हैं, प्लस प्लस का साइन लगाओगे, 2 टाइम्स मास मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रेम, जिस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और लीनियर वेलोसिटी ऑब्जर्वर के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, बात समझ में आया, प्लस मल्टीप्लाई करोगे एम टाइम्स, और यहाँ से ओमेगा क्रॉस लीनियर वेलोस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ये वाली चीज़, और ये ब्रैकेट बंद करोगे। अब हमें चाहिए, देखो ये यहाँ जो ओमेगा है, पेशेंस रखना, ये एक बॉल ऐसे घूम रहा, अर्थ ऐसे घूम रही है ओमेगा 1 से, और दूसरा ऐसे इसके ओमेगा 2 से घूम रहा है, समझ रहे ना। तो ये जो ऑब्जर्वर है अपने अर्थ पर है, तो यहाँ जो ओमेगा यूज हो रहा है इस इक्वेशन में, और जो वेलोसिटी लीनियर हो रही, तो लीनियर वेलोसिटी तो रिलेटिव हो जाएगी, और ओमेगा इसमें ऑब्जर्वर का फ्रेम होता, मतलब अर्थ का आएगा, ठीक है। तो हमें एक्सलेशन चाहिए, तो इस इक्वेशन को मैं एक्सलेशन के टर्म में लिखूं तो रिलेटिव जो एक्सलेशन जो हमें चाहिए वो अगर मैं देखता हूं वेक्टर फॉर्म में, तो यहां से तुम देखोगे तो यहां से नेट फोर्स था, तो नेट एक्सलेशन और मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा ऑफ अर्थ, और ये वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये वाली चीज़, और प्लस मास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा क्रॉस ओमेगा और पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, और ये आ जाएगा ओमेगा ऑफ अर्थ, ये सब ओमेगा ऑफ अर्थ है। तो यहाँ तो ये वाली जो फोर्स, ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ध्यान रखना इसमें एक और फोर्स आता है, अगर ओमेगा वेरिएबल हो तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म आ जा रहा है, हाँ, फोर्स इसमें से कौन कौन से हैं, कौन कौन कैसे हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। जो एफ नेट यहाँ आया है, एफ नेट दैट इज बेसिकली द नेट रियल फोर्स, नेट रियल फोर्स लाइक फ्रिक्शन, नॉर्मल,
ईटीसी, ये जो लग रहा है पार्टिकल पर उसकी वैल्यू है, बात आ रही है समझ में। और जो टू टाइम्स एम और ओमेगा क्रॉस भी आया है पार्टिकल पे, ये वाला, तो ये पार्टिकल की इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, और इसको हमें याद करना पड़ेगा। और ये जो आता है था एम ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर, ये वाला जो है ये एक अलग सूडो फोर्स है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हम पढ़े हैं, लेकिन कोरियोलिस फोर्स हम लोग किसी दूसरे वीडियो में, इसका वीडियो बना दूंगा, तो ये वाली चीज़। अब इन सबको थोड़ा सा, ये तो मास्टर फार्मूला है, ये मास्टर फार्मूला, रिमेंबर इट, ये आपको रिमेंबर, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है ना। तो अब ओमेगा क्रॉस आर, देखो अगर पार्टिकल ये अर्थ है, तो अर्थ तो ओमेगा से अपने ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये ओमेगा ऊपर गया, ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर है, तो यहाँ ओमेगा ऊपर आ गया, और ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, वो ये वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर इधर आ गया, और यहाँ से ओमेगा क्रॉस, जब ओमेगा क्रॉस पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस करोगे, तो वो बोर्ड के, देखो ओमेगा ऊपर है तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो ये बोर्ड के अंदर इधर चला जाएगा, इन साइड द बोर्ड चला जाएगा, और ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। फिर जो ओमेगा क्रॉस आर आएगा, ठीक है, जो ओमेगा क्रॉस आएगा उसके साथ ओमेगा करोगे तो दोबारा इधर निगेटिव आ जाएगा, बात समझना, माइनस आ जाएगा आई कैप, ठीक है। दूसरी दूसरी बात है, तो इसलिए ये वाला जो टर्म है इधर, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो निगेटिव आएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो ओमेगा ऑफ अर्थ है और रिलेटिव वेलोसिटी, जब मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये अपोजिट में घूम रहा है, तो अपोजिट में घूम रहा, तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये सेटेलाइट का, वो इधर है, टू है। अगर अगर ये सेटेलाइट का कोई पॉइंट बी, अर्थ की पॉइंट बी वन उधर है, तो ये इसके अपोजिट का वी टू इधर है, तो जब मैं वी टू क्रॉस, समझ रहे ना, वी टू क्रॉस ओमेगा करूँगा तो वो इधर ही आएगा, पॉजिटिव आएगा आई कैप, ठीक है। तो भी ओमेगा क्रॉस बी टू करूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज अपने यहाँ के गिवन सिचुएशन के हिसाब से मैं लिखता हूँ, तो नेट एक्सलेशन जो रिलेटिव आ जाएगा, तो नेट एक्सलेशन रियल और प्लस टू ओमेगा, यहाँ से टू इसको लिखो, टू यहाँ से ओमेगा ऑफ अर्थ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट विथ रिलेटिव वी वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, प्लस, ये प्लस नहीं आएगा, ये यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, और ये टू, और जब ये टू आ जाएगा तो ये आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल आर ओमेगा वन का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन। अब कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू डाल देना है, तो नेट एक्सलेशन इस सेटेलाइट पे लग रहा है तो जी एम ई ओवर आर लग रहा है, और प्लस टू ओमेगा ऑफ अर्थ, तो ओमेगा ऑफ अर्थ जो है वो टू पाई टी, और रिलेटिव वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके थे, तो टू पाई आर डिवाइडेड बाई टी प्लस जी एम ई, जी एम ई, और ये आर अंडर रूट यहाँ से आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये वाली जो चीज़ है वो हमें पहले से मिल जाएगी, और इन सभी में वो ओमेगा, अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई टी, और यहाँ से आर, ये वाला चीज, तो यहाँ से तुम देखोगे, और माइनस साइन टू टाइम्स आर, और अगेन ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई टी यहाँ से कॉमन आ गया। तो फाइनली थोड़ा इसको और अच्छे से तरीके से लिखोगे तो ये आ जाएगा जी एम ई ओवर आर, और प्लस यहाँ से इन दोनों टर्म में जो कॉमन है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो टू पाई टी यहाँ से कॉमन है, तो जब टू पाई टी यहाँ से कॉमन है तो यहाँ बचा टू अंदर गया, तो यहाँ से फोर, हाँ टू पाई टी यहाँ से आ गया, तो अभी भी यहाँ से इन पूरे टर्म में, और टू पाई टी यहाँ से लिया और मल्टीप्लाई किया, तो फोर पाई आर अपन टी यहाँ बचा, और प्लस यहाँ बचा टू जी एम ई, टू जी एम ई अंडर रूट यहाँ से आर आर, और
यहाँ से माइनस टू पाई टी यहाँ से कॉमन आ गया, तो यह आ जाएगा अगेन टू पाई टी यहाँ से कॉमन, तो टू आर अपान यह जाएगा यहाँ से टू आर अपान यहाँ से टू पाई टी निकाल लिए ना, मल्टीप्लाई हुआ था तो टू पाई टी यहाँ से कॉमन ले लिए, ये वाला जो टर्म था जी एम ई, और टू यहाँ से ओमेगा का यहाँ पे टू पाई आर, यहाँ से देखो टू पाई आर ये ओमेगा का स्क्वायर चढ़ा था, तो टू आर और इसका स्क्वायर चढ़ा था, तो इसीलिए कह रहे कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ से टू टू पाई ये टू आर यहाँ से बच गया, टू पाई चल गया, तो अगेन यहाँ टू पाई अपॉन टी यहाँ से एक बच जाएगा। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें दिखेगा जी मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस यहाँ से टू पाई टी इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा फोर पाई टी और फोर पाई टी, तो यहाँ से फोर पाई टी यहाँ से टू पाई टी, टू पाई टी यहाँ से कॉमन ले लिए, तो टू पाई टी यहाँ से कॉमन ले लिए और यहाँ से टू पाई टी बच गया, तो फोर पाई टी और फोर पाई टी तो जी एम ई, तो यहाँ से इस टर्म में कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ से तुम देखोगे बेसिकली हाँ, तो ये वाला देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है फाइनली अब जो बनेगा उसको मैं लिखता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन पे नेट जो फोर्स लग रहा है इस पे अर्थ का, तो नेट एक्सलेशन जो अब बचेगा रिलेटिव एक्सलेशन, तो जी एम ई मास ऑफ द अर्थ और आर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्सलेशन लगने लगेगा प्लस टू ओमेगा ऑफ द अर्थ यहाँ से आ जाएगा और वेलोसिटी सेटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगी और यहाँ माइनस आ जाएगा जैसा कि मैं बताया, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेशन ओमेगा आर का स्क्वायर, तो यहाँ से जी एम और आर का स्क्वायर इधर आ गया प्लस टू ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई टी और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेटेलाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ पहले ही हम निकाल चुके हैं कितना आया था, तो वो आया था देखो वो आया था टू पाई आर टी प्लस जी एम ई और आर की पावर यहाँ से टू पाई, हाँ देखो ये टू पाई टी, अगर आर यहाँ नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये यहाँ से ये आर जो अभी हम लोग निकाले थे
वो वही वाली वेलोसिटी जो हम पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, ये आर, और ये आर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया था, और ये माइनस ओमेगा, ओमेगा वो अर्थ मतलब 2 पाई टी अंडर रूट का होल का स्क्वायर। तो यहाँ फाइनली जब कॉमन लोगे तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, तो जी एम मास ऑफ द अर्थ और आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 पाई टी उठा लो, तो 2 पाई टी यहाँ से उठा लोगे, तो 2 पाई टी यहाँ से और 2 अंदर घुसा दो यहाँ से, और आर इधर से मल्टीप्लाई कर, तो ये 4 पाई आर इधर से मर गया टी, और प्लस यहाँ ये जब आर अंदर आ जाएगा तो 2 इधर बचेगा, और ये 2 और ये जी एम ई आर अंडर रूट ये बचेगा, क्योंकि यहाँ आर की पावर क्यू था, तो ये क्यू था, और ये माइनस यहाँ से जो है वो 2 पाई आर यहाँ बच गया, और टी क्योंकि एक उठ के उधर चला गया है, तो यहाँ से जी एम ई ओवर आर, मेरे भाई कैलकुलेशन तुम खुद किया करो, तो 2 पाई टी और यहाँ से 4 पाई 2 पाई मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2 पाई आर टी और प्लस 2 टाइम्स जी मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ अंडर रूट। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, दिस इज द रिलेटिव एक्सलेशन। तो आई होप कि ये थोड़ा सा क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, तो फिर भी मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दिया, और आप इसको नोट डाउन कर लेना। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ये लिटिल बिट आउट ऑफ थोड़ा सा हट के सिलेबस था, और आपको कोरिओलिसिस इन सबको बारे में थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।